महाकाली जय माँ विंध्यवासिनी। आप लोग कैसे मित्रों, आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही और स्वस्थ होंगे। माँ आप लोगों पे अपनी असीम कृपा बना के रखे। आज आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा वशीकरण लेके आई हूँ। ये आप जैसे कि मेरे हाथ में देख रहे हैं, मैं किसी और चीज़ से आपको वशीकरण नहीं बता रही हूँ, ये गौरी शंकर रुद्राक्ष है। ये दो मुखी रुद्राक्ष गौरी शंकर रुद्राक्ष है। जैसे माँ गौरा और शंकर भगवान की जोड़ी बनी है जन्मों जन्मों तक, वैसे ही माँ आप लोगों की भी जोड़ी बनाए। अगर किसी पति पत्नी में झगड़ा कले कलेश होता है, या किसी प्रेमी प्रेमिका में कले कलेश होता है, या उनकी जोड़ी बन नहीं पा रही है, या वो शादी से एक दूसरे से मुकर जाते हैं, ऐसा कुछ भी है, तो आप इस गौरी शंकर रुद्राक्ष से वशीकरण करके अपने प्यार को, मन चाहे प्यार को पा सकते हैं, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका का हो। तो आज आपको इसी के ऊपर मैं वशीकरण बताने वाली हूँ। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है। घर बैठे बिठाए इस वशीकरण को कर सकते हैं। बिल्कुल 100% ये काम करने वाला है। सिर्फ आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष लेना है, और जो रियल हो, नकली मत लेना, प्लास्टिक के आते हैं। मैं पहले आपको सतर्क कर देती हूँ, रियल रुद्राक्ष लेना। अगर कोई असम बंगाल में रहता है या असम में जाते काम व्याख्या माँ जाते हैं मंदिर कोई, वहाँ पे देखें, वहाँ कुछ रियल मिल जाते हैं रुद्राक्ष। अगर वहाँ से लेंगे तो वहाँ से ले लें। अगर आप लोगों को कहीं से नहीं मिलेगा तो आप गुरु माँ को स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, गुरु माँ से बात भी कर सकते हैं, तो आप यहाँ से प्राप्ति कर सकते हैं अभिमंत्रित रुद्राक्ष की। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको इस वशीकरण को करना है। अगर आप किसी को प्यार करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया है, ये सिद्ध किया हुआ है, इसमें ऑयल लगा हुआ है, ये सिद्ध किया हुआ एक डब्बी में रखा गया है। तो उसके बाद मैं इसलिए ऐसा करके निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल सेम ऐसा ही रुद्राक्ष होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो आपको ऐसे ही रुद्राक्ष लेना है, और आप इसको किसी भी शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, सोमवार के दिन इस वशीकरण को कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन शिव शंभु का दिन होता है। और जैसे कि सावन का टाइम चल रहा है, सावन के टाइम पे इस वशीकरण को करेंगे तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो आप किसी भी सोमवार के दिन इसको ज़रूर कर सकते हैं वशीकरण को। सोमवार के दिन सुबह से लेके, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, सुबह से लेके रात के 12 बजे तक के टाइम में, किसी भी टाइम आपको टाइम मिले, सिर्फ आपको टाइम मिलना चाहिए। आपने 5-10 मिनट इसको टाइम निकाल के और इस वशीकरण को करने के लिए बैठना है। नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो जाएं और एक आसन आप लगा लें, पूर्व दिशा की तरफ आप फेस करके बैठे, या तो फिर आप अपने मंदिर के सामने, अगर आपने शिव भगवान की फ़ोटो रखी है या शिवलिंग रखा है, आप वहाँ बैठ जाएं एकांत में, बिल्कुल अकेले में, जो कि आपको कोई रोके टोके नहीं, किसी भी टाइम निकाल के। और आपने इस रुद्राक्ष को रख लेना है। जिस भी प्रेमी को प्यार करते हैं, जिस भी प्रेमिका को आप प्यार करते हैं, जो पत्नी है, पति है, या आपकी पत्नी है, या प्रेमी है, प्रेमिका है, कोई भी स्त्री है, कोई भी पुरुष है, जिसको आप सम्मोहित करना चाहते हैं, अभिमंत्रित कर लें, उसके लिए आपने इसके ऊपर बहुत छोटा सा मंत्र बोलना है। मैंने आपको मंत्र बताया है, ओम नमः शिवाय, सिर्फ यही मंत्र आपको करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली मंत्र है, और शिव भगवान का तो वैसे भी आपको पता ही है कि कितना अच्छा नाम है और कितना अच्छा उनका जप है, जो कि जो चीज़ें सिद्ध ना हो वो भी चीज़ सिद्ध हो जाए। और ये गौरी शंकर रुद्राक्ष है, इससे बहुत ही अच्छा वशीकरण होता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। बस आपने इसको, इसके ऊपर आपने 501 वरी इस मंत्र को करना है, ये अभिमंत्रित हो जाएगा। लास्ट में आपने इसके अंदर एक लाल रंग का धागा डालना है। धागा डालते हुए आप अपनी प्रेमिका को इसको पहना सकते हैं, आप इसे खुद को धारण कर सकते हैं। आप जैसे इसको उस दिन सिद्ध करें, सिद्ध करके और इस पे अभिमंत्रित करें मंत्र करके, उसके बाद आपको रात्रि 9 बजे से 12 बजे के बीच में इसको धारण कर लेना है, या अपनी प्रेमी को या अपनी प्रेमिका को आप जैसे कि पहनाएंगे या आप पहनेंगे,
वो इंसान जिसके लिए आप इसे सिद्ध कर रहे हैं, जिस टाइम सिद्ध करें उस व्यक्ति को अपने मन और चित्त में बसा के तब इसको अभिमंत्रित करें, और उसकी आँखें इस पे नज़र जैसे वो जाएगी वैसे वो व्यक्ति आपसे सम्मोहित हो जाएगा, आपसे बिल्कुल मोहित हो जाएगा, आपके बगैर उसको भी चैन नहीं पड़ेगा। गौरी शंकर रुद्राक्ष वशीकरण बहुत ही अच्छा है, जो कि आप करके देखें, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, और इसका रिज़ल्ट मिले तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जय माँ काली ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख के भेजना, मुझे इससे पता चलेगा कि कितने लोगों के काम बने हैं। और अगर कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए पे आप गुरु माँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है उनके जवाब मांग सकते हैं। अगर आपको उससे भी कोई दिक्कत है, आप नहीं बात करते, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें अपनी प्रॉब्लम, हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा। आगे ऐसे ही फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ काली, जय विंध्यवासिनी।